आज आपको बताएंगे बैक क्लाउड जो बहुत ही लेटेस्ट और न्यू डिजाइन आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। उसके साथ अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, कॉल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। चलिए वीडियो तो लेके चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम ब्लाउज डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ब्लाउज की लंबाई आपको दिखाते हैं। ब्लाउज की लंबाई मैंने 14 इंचेस लिया है और ब्लाउज के गले की चौड़ाई देखिए मैं 3 इंचेस पर गले की चौड़ाई लगा रही हूँ निशान, और 3 इंचेस के चौड़ाई पर नीचे के साइड में निशान लगा लेंगे। और गले की जो लंबाई रखी है वो देखिए लीजिए 9.5 इंच रखी है। देखिए गले की लंबाई मैंने 9.5 इंच रखी है, वहाँ से निशान लगा लेते हैं और इसे पूरे निशान को मिलाकर बराबर कर लेते हैं। ये लीजिए मैंने सबको बराबर कर लिया। इस पर हम वी शेप का डिज़ाइन देंगे, तो वी शेप में निशान लगा लिए हैं। अब इसको कट कर लेंगे अस्तर को और देख लीजिए इस पर हम कपड़े को भी रख लेंगे। सेम इसी तरीके से कपड़े को कट करेंगे, कपड़े को बिल्कुल बराबर करके रख लीजिए। साड़ी का कपड़ा ये थोड़ा पतला होता है। देखिए मैंने गले को भी कट कर लिया इसमें। अब इसको ज्वाइंट करेंगे, बिल्कुल बराबर करके ज्वाइंट कर लीजिएगा इसे अच्छे से गले को। ये देखिए ये हमारा वी शेप है, तो यहाँ से मशीन को घुमाते हुए वी शेप अच्छे से देते हुए तब सिलाई करेंगे यहाँ से। ये लीजिए मेरी इस गले की सिलाई हो चुकी है। इस पर हम कुछ कट्स लगा लेंगे जिससे गला मुलटने के बाद इस शेप में गला आए। अब इसे हम गला को उलट लेंगे। अब इसके ऊपर भी एक स्टिचिंग कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे एक। देखिए वी शेप में यहाँ से मशीन को घुमाते हुए तब सिलाई लगाएंगे। ये लीजिए मेरे गले की स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसके मॉल राउंडिंग स्टिचिंग करेंगे, बिल्कुल कपड़े को बराबर करते हुए स्टिच कीजिएगा। साड़ी कपड़ा थोड़ा कपड़ा ये पतला होता है। देखिए मैं कैसे स्टिचिंग इसकी कर रही हूँ, बिल्कुल स्लोली स्लोली कपड़े को फैलाते हुए हाथ से कर रही हूँ इसकी स्टिचिंग। देखिए मैंने कपड़े की स्टिचिंग कर ली है। इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कपड़े लिए हैं इसके अपोजिट कपड़े। अब इसको हम तिरछा कट कर लेंगे, इसे कपड़े में जो है स्ट्रेचबल रहे कपड़ा। देखिए मैंने कपड़े की पट्टियाँ कुछ कट कर ली हैं, तिरछी पट्टियाँ स्ट्रेचबल हैं ये पट्टियाँ। अब इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे ब्लाउज पर। देखिए मैं पट्टी को ले ली, इसे 3 पार्ट्स में हम फोल्ड करेंगे। वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, आप ऐसे सेम इसे फोल्ड कीजिएगा और इसको गले के एक साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम गले के लेफ्ट साइड से स्टिच कर रहे हैं, देख लीजिए इसे ये गले के लेफ्ट साइड से स्टिच हो रहा है। ये छोटा स्टिच होगा, राइट साइड से हम नीचे तक ले जाएंगे। ये लीजिए एक साइड से हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। इस पे हम लेस लगा लेंगे। ये लीजिए एक साइड से लेस लग चुकी है, दूसरे साइड से भी स्टिच कर लेते हैं लेस को। देखिए हमारा लेस लग चुका है। अब हम इसको इस साइड से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस साइड से भी मैंने देखिए कुछ पट्टियाँ कट कर ली। ब्लाउज के कलर की पट्टियाँ हैं,
ये चौकोर है, बिल्कुल चौकोर चौकोर कपड़े मैंने कट किए हैं। इसको हम बनाएंगे डिज़ाइन। तो देखिए मैंने कॉर्नर के साइड से इसे उंगलियों की सहायता से रगड़ कर फोल्ड किया है। अब इसको स्टिच कर लेंगे ब्लाउज पर, बिल्कुल कॉर्नर से स्टिच करना है इसे, इसे बाहर के साइड दिखता रहे। देख लीजिए मैंने एक कॉर्नर से इसे उंगलियों की सहायता से रगड़ कर इसे बना रही हूँ डिज़ाइन को। वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा है, आप सेम ऐसे इस डिज़ाइन को बनाइएगा। देख लीजिए मैंने ऐसे कैसे बनाया इसे, ऐसे सेम आप इस डिज़ाइन को बनाइएगा। ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ अगर ने आप इसने आपने पहली बार चैनल विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उससे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। अब हम डिज़ाइन बनाने के लिए देख लीजिए ग्रीन कलर की पट्टी का यूज़ कर रहे हैं, जो हमने डिज़ाइन बनाते हुए कॉर्नर के साइड गले पे यूज़ किए उसी कलर के हम कपड़े की चौकोर पट्टी यूज़ कर रहे हैं। देख लीजिए मैं रगड़ कर इसका डिज़ाइन बना ली हूँ हाथों की सहायता से। देखिए मैंने तीन यहाँ पे यूज़ कर लिए, अगर आपका गला और भी चौड़ा तो आप और भी लगा के यूज़ करके बना सकते हैं। ये देखिए ये मेरा डिज़ाइन कम्प्लीट हो चुका है ये पार्ट, हम इसमें और भी डिज़ाइन करेंगे। देख लीजिए मैंने फिर से ग्रीन कलर की पट्टी ले ली है, पट्टी जो है तिरछी कटी हुई है, स्टिच वाले पट्टी। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे इसके ऊपर से। इसको बिल्कुल बराबर करते हुए जिस जितना चौड़ा हमने उस साइड ज्वाइन किया सेम उतना ही चौड़ा इस साइड भी ज्वाइन करना है। घुमाते हुए बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा अच्छे से इसको। अब इसके अंदर का जो कपड़ा है फालतू का उसे हम कट करके निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रहने देंगे, ये तो डिजाइन जो है खराब दिखेगा। देखिए हमारा डिजाइन ये देखिए, इस पर हम लेस लगा लेंगे, अब हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। एक साइड से मैंने लेस लगा ली है, दूसरे साइड से मैं अच्छे तरीके से स्टिच करके बिल्कुल बराबर करके लेस लगाइएगा और लेस को घुमाते हुए स्टिच कीजिएगा, नहीं तो लेस बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ये लीजिए डिज़ाइन कंप्लीट है। अगर आप डिज़ाइन अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, कोई नोटिफिकेशन आपको से पहले पहुँच सके वीडियो अपलोड करें तो। अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद आए तो आप हमारे इंस्टाग्राम और डिज़ाइन पर W2 पे आकर हमसे शेयर कर सकती हो, वह डिज़ाइन आपको अच्छी तरीके से जरूर बताएंगे। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वहाँ जाके आप हमारे ID पर जा सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।